ट्रायंफ मोटरसाइकिल इंडिया ने अपनी सबसे सस्ती एडवेंचर टूरर टाइगर 850 स्पोर्ट देश में लॉन्च कर दिया है, जिसकी एक शोरूम कीमत 11,95,000 रुपये है। ट्रायंफ ने यह मोटरसाइकिल पहली बार बाइक खरीदने वालों और टूरर बाइक पसंद करने वालों के हिसाब से बनाई है। टाइगर 900 के मुकाबले नई 850 स्पोर्ट करीब 1,75,000 रुपये सस्ती है। बाइक के ज़्यादातर पुर्जे टाइगर 900 से ही लिए गए हैं। इसके साथ 888 cc का टी प्लेन इंजन दिया गया है, जो 84 bhp और 82 nm बनाता है। कंपनी ने बाइक के इंजन को 6-speed गेयरबॉक्स के साथ स्लिप और असिस्ट क्लच दिया है। ये राइड बाय वायर बाइक है, जिसके साथ रोड और रेन मोड्स दिए गए हैं। बाइक में 5 इंच का हाई कॉन्ट्रास्ट TFT डिस्प्ले, पूरी LED लाइटिंग के साथ LED DRL, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। इसकी बुकिंग पहले ही शुरू कर दी गई थी और इसे ग्राहकों को सौंपने का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। रेनो इंडिया ने अपनी सब कॉम्पैक्ट SUV काइगर का उत्पादन चेन्नई फैसिलिटी में शुरू कर दिया है। कंपनी ने देश भर में अपनी 500 डीलरशिप पर नई कार को पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। काइगर के साथ रेनो इंडिया सब 4 मीटर सेगमेंट में अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए तैयार है और ये रेनो और निसान द्वारा तैयार किए गए CMFA प्लेटफॉर्म पर बनी है। पिछले साल ही रेनो काइगर का कॉन्सेप्ट पेश किया गया था और नई कार 80% कॉन्सेप्ट से मिलती जुलती है। इसको भारत में डिजाइन किया गया है, जिसका उत्पादन कंपनी के तमिलनाडु स्थित प्लांट में किया जाएगा। कार को 2 पेट्रोल इंजन और 3 ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ पेश किया गया है और आने वाले कुछ हफ्तों में इसका लॉन्च किया जाएगा। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन या फाडा ने जनवरी 2021 में बिके वाहनों की जानकारी साझा की है। फाडा की रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने बाजार में कुल 15,92,636 वाहन बिके, जो जनवरी 2020 की तुलना में 9.6% कम है। इस दौरान दिसंबर 2020 में बिके 18,44,143 वाहनों की तुलना में कुल वाहनों की बिक्री महीना दर महीना 14% गिर गई है। फाडा का कहना है कि सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई में कमी आने से ऑटो इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। जनवरी 2021 में कुल 2,81,666 कारों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जो आंकड़ा पिछले साल 2,94,817 था, यानी ये भी 4.4% की गिरावट है। इसी समय दो पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी 8.78% गिरा है। फाडा ने आगे कहा कि जनवरी में दो पहिया वाहनों की कीमतें बढ़ने से भी बिक्री पर असर पड़ा है। हाय, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।